हेलो, कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और जमकर जो है आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, उसी को आप अपनी भाषा में पढ़ेंगे और बिना किताब देखे हुए ये पूरा के पूरा जो है आपके दिमाग में बैठाने की गारंटी जो है हमारी होगी। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है हमने के पूरा ई भाषण को जो है याद करेंगे। आइए जानते हैं कैसे। तो चैप्टर के राइटर के बारे में, संपूर्ण क्रांति के चैप्टर के राइटर कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे? तो क्रांति करते हैं तो हमने के जयकारा लगाते हैं, तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, ठीक है, उसके राइटर हैं। अब आपसे कोई पूछे संपूर्ण क्रांति है का, तो संपूर्ण क्रांति जो है एगो भाषण है, ठीक है, जो पटना के गांधी मैदान में जो है 5 जून 1974 को जो है जयप्रकाश नारायण जी दे रहे थे भाषण। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ। आ इनका निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हो गया। अब देखिए इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो जन्म स्थान सिताब दियारा, गांव के नाम है सिताब दियारा। सिताब दियारा है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है, बलिया और बिहार के सारण के बीच में जो है ये पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा सिताब दियारा जो है इनका जन्म स्थान रहा। अब जो है इनके जो है पुकार का नाम, यानी कि इनको जो है काची नाम से पुकारते हैं। तो बचपन में इन्हें बाउल के नाम से पुकारते थे लोग, जब सियान हुए फेमस हुए तो जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण का शॉर्ट नेम। ठीक है, और बाद में जो है इन्हें लोकनायक के नाम से जो है लोग पुकारने लगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, याद रखिएगा इनके माता जी का नाम फूलरानी देवी और इनके पिताजी का नाम हर्षोदयाल था, ये भी याद रखना है। ये पली बली कहाँ, यानी कहने का मतलब इनके माता पिता जो है फूलरानी देवी एवं हर्षोदयाल थे, लेकिन इनका पालन पोषण जो है प्रभावती देवी के छत्र छाया में हुआ है। ये प्रभावती देवी कौन थी? तो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की जो है पुत्री थी प्रभावती देवी। आपसे पूछा प्रश्न कि भाई जयप्रकाश नारायण जी के माता जी का नाम क्या है? तो माता जी का नाम फूलरानी देवी, लेकिन इनका पालन पोषण कौन किए हैं? तब आपको बताना है प्रभावती देवी, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इनकी शिक्षा, तो शिक्षा कहने का मतलब इनके शिक्षा आप जानते हैं पटना कॉलेजिएट में हुआ था आरंभ में। ठीक है, तो पटना कॉलेजिएट में, यानी कि पटना कॉलेजिएट आप जानते होंगे पटना में ही है। इतना आपको क्या लगता है कि इतना जो लिखा है सब के सब जो है हम आपको याद करना है? नहीं भाई, जो रेड कलर से करल है ओकरे आपको याद करना है। देखिए 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए जो है ये कहाँ पे गए? अमेरिका गए। क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अमेरिका जो है ये कब गए थे? तो 1922 में गए थे। काहेला गए थे? तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। ठीक है, उसके बाद जो है ये मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा भी जो है ग्रहण किए, यानी कि लेलिन से प्रभावित होकर जो है मार्क्सवादी भी बने और उसके बाद जो है कम्युनिस्टवादी भी बने। आप आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और पीएचडी प्राप्त करके जो है फिर वापस आ गए। देखिए अमेरिका गए थे, पीएचडी प्राप्त करके फिर जो है अपन देश में वापस चलाएँ। इनकी राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे तो 1929 में कांग्रेस में ही शामिल हुए थे। कब? 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है इनको जेल भी जाना पड़ा। आपसे पूछेगा कि भाई कांग्रेस में शामिल जयप्रकाश नारायण जी कब हुए थे? 1929 में हुए थे, और 1932 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनको जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है। 1939-43 में भी जेल गए थे, और 1932 में तो गए ही जेल, और 1939-43 में भी जो है ये जेल गए, और 1942 के आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि मिली। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ है तनि बताइए कमेंट में। ठीक है, आज़ादी के बाद जो है 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिए।
1952 में इन्होंने एक पार्टी बनाया, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इनमें जो है इनका काफी ज्यादा योगदान रहा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में, और धीरे धीरे राजनीति में ये और जो है फेमस हो गए, सक्रिय हो गए। ठीक है, 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में से जुड़े, 1954 में जो है विनोबा भावे जो है वो आंदोलन किए थे सर्वोदय आंदोलन, उससे भी जयप्रकाश नारायण जी जुड़े। 1974 में जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने, वह जो है 1974 में पटना में जो है भाषण दिए छात्र आंदोलन के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो है इनकी कृतियां आपको याद रखना है, कृतियां कहने का मतलब जो है, कृतियां से पहले भी थोड़ा सा है, आपातकाल के दौरान जेल गए इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी के गठन कौन के लिए था? जयप्रकाश नारायण, ये भी याद रखिएगा। कैसे? ज से जनता पार्टी, ज से जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इनकी कृतियां तो ये सब फेमस है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के राइटर जो है जयप्रकाश नारायण जी है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारा कविता भी लिखा, बहुत सारा डायरी भी लिखा, निबंध भी लिखे, लेकिन बहुत सारे लिखे नाम इस चैप्टर में नहीं दिए गए हैं। एक क्वेश्चन पक्का आपसे पूछेगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के राइटर जो है कौन है। ठीक है, सम्मान इन्हें कौन कौन सा मिला? तो 1965 में समाज सेवा के लिए जो है मैग्सेसे सम्मान मिला। प्रश्न इससे बहुत सारे पूछ सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी को कौन सा सम्मान मिला, मैग्सेसे सम्मान कब मिला, तो आपको बताना है 1965 में, याद रखना है। 1998 में जो है इन्हें भारत रत्न मिला मरणोपरांत, यानी जब इनका निधन हो गया उसके बाद जो है इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया, याद रखिएगा। ये जो है लेखक परिचय है जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, आप देख लीजिएगा। अब जो है हमनी के चैप्टर पे आएंगे, और चैप्टर जो है एगो भाषण है। पहले ही हम बताएं कि पटना में जो है छात्र आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे और भाषण दे रहे थे, तो उसी भाषण के कुछ अंश जो है इस चैप्टर में लिखे गए हैं। तो अब जो है इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है, तो कान में ईयरफोन लगा लीजिए, बिना किताब देखे हुए जो है ये पूरा चैप्टर जो है आपको याद हो जाएगा। चैप्टर की शुरुआत होती है तो एगो रेणु जी नामक महिला जो है कविता सुनाती हैं, और कविता सुनाने के बाद जो है अपनी माइक जो है किसको देती हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण जी स्टेज पे आते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रिय छात्र संघर्ष समितियों के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मेरे साथियों, आज हम लोग जो है छात्र संघर्ष समितियों के सभी सदस्य इकट्ठा हुए हैं इसको और आगे बढ़ाने के लिए, और रेणु जी जो है मेरी तारीफ किए इसके लिए धन्यवाद, और रेणु जी जो कहना चाहती थी वो जो है मैं अब आपको कहूंगा अपनी भाषा में। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैं जब बेलोर अस्पताल जाने के लिए रवाना हो रहा था तो हमसे मिलने जो है दो व्यक्ति आए थे, दिनकर जी और गंगा बाबू। दिनकर जी और गंगा बाबू जो है हमें बता रहे थे कि जयप्रकाश नारायण जी आप जो कार्य कर रहे हैं छात्रों के लिए वो काफी ज्यादा सराहनीय कार्य है, हमने जितना सोचा था उससे भी अधिक आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जी को ये जो है बातें बताते हैं कौन? तो दिनकर जी और गंगा बाबू। तो इसी बीच जो है ऑडियंस ताली मारने लगती है, तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि तालियां मत बजाइए, चुपचाप रहिए और समझिए बातों को और सुनिए, क्योंकि ये आंदोलन जो है हम अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, ये जो है आपको और आपके जो है समाज को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। ये आंदोलन जो है उन सभी गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको सारी सुविधाएँ नहीं मिलती है, उन छात्रों के लिए कर रहे हैं जिनको राजनीति में हिस्सा नहीं मिलता है, उन जो है समाज के लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको जो है सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, और इस आंदोलन को बेहतर बनाने के लिए आपको लाठियां भी खानी होगी, आपको गालियां भी खानी होगी, आपको जेल में भी जाना होगा, आपको गोलियां भी खानी होगी, और हो सकता है कि आप जो है अपने परिवार से दूर भी हो जाए, आपके जमीन के वर्गीकरण भी हो सकता है। तो ये सभी के लिए आपको तैयार रहना है, तब जाकर ये छात्र संघर्ष समिति और ये जो आंदोलन है संपूर्ण क्रांति, ये जो है पूरा क्रांति पूरा होगा। ठीक है, आगे जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हम जब बिलिंगटन नर्सिंग होम में जो है हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो वहां पे भी जो है हमारे मित्र थे कौन? तो रामनाथ जी गोयनका। रामनाथ जी गोयनका के यहाँ ही जो है दो दिन कौन रुके? तो दो दिन जो है
दिनकर जी भी जो है साथ में रुके, किसके साथ, तो जयप्रकाश नारायण जी के साथ है। तो रामनाथ जी गोयनका कौन थे, तो इंडियन एक्सप्रेसवे के जो है मालिक थे, ठीक है। तो यहाँ पे रुकते हैं, तो वहीं पे रुकने के दौरान जो है दिनकर जी को जो है हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आने के दरमियान जो है 3 घंटे के अंदर उन्हें हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है, 1.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि अगर वही बात पटना में रहता तो 3 घंटे के अंदर भी नहीं हो पाता, लेकिन बिनिंगटन नर्सिंग होम में जो है डॉक्टर सब तैयार थे, औजार लेके सब कुछ तैयार थे, फिर भी जो है दिनकर जी का निधन हो गया। हम लोगों से जो है दिनकर जी दूर हो गए। आगे बताते हैं कि दिनकर जी और भाई बेनीपुरी जो है एक ऐसे कवि थे कि जब ये कविताएँ अपनी लिखते थे तो उनमें धार होती थी, और ऐसी धार होती थी जो छात्रों को प्रेरित करता था, जो समाज को प्रेरित करता था। और आज उनकी अगर की भी कविताएं होती, आज वो अगर लिखे हुए होते तो आज ये छात्रों को हमें भाषण नहीं देना पड़ता। लेकिन फिर भी उन्हीं की कविताओं को पढ़कर जो है हो सकता है कि मैं आपको जो है मोटिवेट कर सकूं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकूं। जयप्रकाश नारायण जी ऐसा जो है कहते हैं, और कहते हैं कि ना जाने जवाहरलाल नेहरू के भाषा में कि ना जाने इस देश की जनता को कितनी दूर जाना है और कहाँ जाना है ये पता ही नहीं है, ठीक है। आगे कहते हैं कि छात्रों का जो ये संघर्ष समितियां का जो ये आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को भयानक बनाने के लिए हमने कहा था छात्रों से कि आप ही लोगों में से कोई एक ऐसे लीडर जो है इस आंदोलन का नेतृत्व करें जिस पर जो है भरोसा हो। लेकिन आप लोगों ने जो है कहा खुद हमसे कि जयप्रकाश नारायण जी सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा, आप ही को इस आंदोलन का जो है नेतृत्व करना होगा। तो मैं भाई इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, लेकिन सिर्फ नाम के लिए नहीं, मैं इस आंदोलन का नेतृत्व तभी करूंगा जब मेरी बात मानी जाएगी। मैं सुनूंगा सबकी, सब छात्र की, सब नेताओं की, सब लोगों की सुनूंगा, लेकिन आखिरी फैसला जो है मेरा होगा, तभी मैं इस छात्र आंदोलन का जो है नेतृत्व करूंगा। ये कौन बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण जी जो है बोलते हैं कि नेता सिर्फ हम नाम के नहीं होंगे, काम के होंगे। आगे कहते हैं कि हमारी पढ़ाई जो है कहाँ से हुई, हमारी पढ़ाई जो है साइंस स्ट्रीम से हुई है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और कहाँ से, पटना कॉलेज से। तो पटना कॉलेज से पढ़ाई हुई, साइंस से पढ़े हुए थे, तो हमको जो है छोटी सी नौकरी मिलनी थी, तो पिताजी के जो है काची, तो पिताजी के जो है नहीं कहते पैरवी से जो है राजेंद्र बाबू के जो है एगो असिस्टेंट थे फूलदेव सहाय, उन्हीं की प्रयोगशाला में जो है कुछ काम करने के लिए हमें मिल गया। और पिताजी कहते थे कि वहां पे जाइए, कुछ कुछ सीखिएगा और पैसा भी मिलेगा फूलदेव सहाय के यहाँ। आगे कहते हैं कि वहाँ से जो है जब हम लोग जाते रहते थे तो वहीं पे जो है कुछ दिन बाद जो है हमें स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनने को मिला, यानी कि उनको जो है जयप्रकाश नारायण जी को जो है पढ़ने में काफी ज्यादा जो है रुचि था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। पैसे की तंगी के कारण फूलदेव सहाय जी के यहाँ जो है काम करते थे, और वहाँ पे जो है काम से थोड़ा सा पैसा आता था, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते थे, पढ़ने में मन लगता था, और पढ़ना भी जो है वो चाहते थे, विदेश पढ़ना चाहते थे। लेकिन विदेश गए भी पढ़ने, तो भाषण में वो बताते हैं कि विदेश हम पढ़ने गए तो लोग ने जो है ये समझ लिया कि हम जो है अमेरिका के दलाल हो गए हैं, यानी जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कह दिया गया, और ई तक नारा लगाया गया कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, यानी निक्सन उस समय राजा था तो उसी को दे दिया अधिकार देना था और जयप्रकाश को हार, ये ऐसा जो है नारा लग रहा था, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हमको पढ़ने की इच्छा थी, इसी कारण हम अमेरिका गए थे, और अमेरिका हम किस लिए गए थे, तो हमने स्वामी सत्यदेव की जो है भाषण सुनी थी जिसमें बताया गया था कि विदेश पढ़ने के लिए भी जो है छात्रवृत्ति मिलती है, तो छात्रवृत्ति के सहारे ही जो है हम अमेरिका पढ़ने गए थे। और अमेरिका पढ़ने गए थे तो ऐसा नहीं है कि हम जो है का तो एकदम जो है आराम की जिंदगी जो है जी रहे थे, या वहाँ पे जो है ऐसो भरी जिंदगी जो है हम जी रहे थे, क्योंकि हमारे पिता जो है एगो का थे, जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि उनके पिताजी जो है एगो नहर विभाग के जिलादार थे,
एगो नहर विभाग के जो है जिलादार थे जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी, बाद में जो है रेवेन्यू असिस्टेंट बने। तो ऐसा नहीं है कि जयप्रकाश नारायण जी एक बड़े घर के जो है बेटे थे जिनको पढ़ने के लिए सब सुविधाएं मिलती थी। जब वो अमेरिका गए तो अमेरिका में जाकर जो है वो पढ़ाई कर रहे थे, तो अमेरिका में बहुत सारे कष्टों का सामना उन्होंने किया। एक ही जो है खटिया होता था, चारपाई, यानी एक चारपाई पे वो सोते थे और उनके साथ कोई अंग्रेज सोता था। उसके बाद दिन में जो है वो रेस्टोरेंट में कहीं काम करते थे, रेस्टोरेंट के अलावा संडे को छुट्टी मिलता था तो वो जूता पॉलिश का भी काम करते थे, प्लेट धोने का भी काम करते थे। जैसे तैसे करके जो है उन्होंने अमेरिका से पढ़ाई किया और वहाँ का पीएचडी डिग्री जो है हासिल किया। उसके बाद जो है वो जो है भारत वापस लौट आए। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम अमेरिका गए तो वहाँ के जो है दलाल हम बन गए और वहाँ जो है उसी के देश के जो है काम आए, ऐसा नहीं है। हम वहाँ पे संघर्ष किए, संघर्ष से पढ़े बढ़े पढ़े और उसके बाद जो है फिर हम भारत माँ की सेवा में जो है वापस आ गए हैं। ठीक है, आगे बताते हैं कि जब मैं वहाँ पे था तो वहाँ पे जो है 1924 में जो है लेलिन की जो है मृत्यु हो गई। यानी जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैं जब वहाँ पे था तो घोर कम्युनिस्टवादी था, और घोर कम्युनिस्टवादी होने के कारण था कि 1924 में लेलिन की मृत्यु हो गई और उसी समय 1924 में मैं मार्क्सवादी बना। मार्क्सवादी बनने के पीछे कारण था कि मार्क्स के जितने भी बुक जो है आए थे तो वो पूरा के पूरा जो है वो पढ़ गए थे और मार्क्सवादी बने। और जब वो भारत आए तो भारत आके जो है कम्युनिस्टवादी, यानी मार्क्सवादी से जो है कम्युनिस्टवादी, पहले भी कम्युनिस्टवादी घोर कम्युनिस्टवादी थे। ठीक है, तो कम्युनिस्टवादी होने के नाते जब वो भारत में आते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हो करके जो है कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस में शामिल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने लेलिन से सीखा था कि उस जो देश गुलाम है उस देश के गुलामी के खिलाफ अगर कम्युनिस्ट लोग नहीं लड़ रहे हैं तो वो लोग रियल में कम्युनिस्ट नहीं हैं। तो कम्युनिस्ट लोग जो है भारत जो है गुलाम था लेकिन उसके खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, इसीलिए जयप्रकाश नारायण जी जो है कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं शामिल होकर जो है कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, यही जो है जयप्रकाश नारायण जी बताए हैं इस चैप्टर में। आगे कहते हैं कि हमको हमसे जो है बहुत सारी पार्टियां जो है जिसे आंदोलन जो हो रहा है छात्र आंदोलन, इस छात्र आंदोलन को रोकने के लिए जो है सरकार के नामी गिरामी लोग जो है हमसे मिलने आए थे, जैसे कि गफूर साहब, राजेंद्र बाबू, ये सभी जो है मिलने आए और हमको ही जो है समझा रहे थे कि ये आंदोलन तुम जयप्रकाश नारायण करवा के ठीक नहीं कर रहे हो, कि ये आंदोलन से जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे ये होगा वो होगा। लेकिन उनको क्या हक है कि वो जयप्रकाश नारायण जी को समझाएं कि इस आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ेगा। वो लोग तो राजनीति में रह के जो है अपने मजा मार रहे हैं और छात्रों के दुख को नहीं समझ रहे हैं, गरीबों के दुख को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए हम ये आंदोलन कह रहे हैं। ये भाषण में बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी छात्रों से कि हमसे बहुत बड़े बड़े मंत्री मिलने आए, सब लोग जो है हमें मनाने की कोशिश किए लेकिन हम नहीं माने, फिर भी जो है आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री से लेके दीक्षित जी के जितने भी नीचे मंत्री थे सब लोग जो है मिलने आए, सब लोग जो है हमें मनाने की कोशिश किए लेकिन सब लोग की बातें हम नहीं माने और फिर भी जो है छात्र आंदोलन किए। और दीक्षित जी कहा करते थे कि जयप्रकाश नारायण तुम जो है बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो, लेकिन दीक्षित जी भी जो है आए और हमको मनाने का प्रयास किए और यहाँ तक कि ये भी किए कि छात्रों को रोकने के लिए जो है ट्रेन से उतरवा दिए गए, बस से उतरवा दिए गए, टिकट होते भी हुए भी जो है उनको उतरवा दिया गया क्योंकि ये आंदोलन जो है वो लोग पूरा नहीं करने देना चाहते थे। और आंदोलन को पूरा इसलिए नहीं करने देना चाहते थे कि छात्र अगर राजनीति में आ गए तो राजनीति को जो है बेहतर बना देंगे। ठीक है, आगे कहते हैं कि हम जब भाषण दे रहे हैं तो हमारे बगल में डॉक्टर रहमान बैठे हुए हैं और डॉक्टर रहमान जो है हम पे खिसला भी रहे होंगे कि इतना चिल्ला के हम भाषण दे रहे हैं, हो सके हमारी तबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन डॉक्टर रहमान से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आज जो है छात्र आंदोलन की हम बात कर रहे हैं तो इन सभी छात्रों को मोटिवेट करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, आगे कहते हैं कि मैं जब बेल्लोर अस्पताल में था तो वहाँ पे उमा शंकर दीक्षित जी से मुलाकात हुई थी और उमा शंकर दीक्षित जो है हमारे अंडरग्राउंड मित्र थे।
अंडरग्राउंड मित्र थे जिन्हें जो है कौन सदानंद जी जो है ब्रेन ऑफ बॉम्बे भी कहे थे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किन्हें कहा गया है तो उमा शंकर दीक्षित जी को, और कौन कहा है तो सदानंद जी कहा गया है। सदानंद जी कौन थे तो फ्री प्रेस के मालिक थे। उमा शंकर दीक्षित जी जो है जयप्रकाश के अंडरग्राउंड मित्र थे जो अंदरे अंदरे जो है जयप्रकाश की मदद करते थे और आंदोलन में जो है उनके सहयोगी थे, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि उमा शंकर दीक्षित जो है काफ़ी अच्छे मित्र रहे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें सहयोग किया। और आगे फिर बताते हैं कि लोग जो हैं ये यहाँ तक कह दिए कि क्या आपका इंदिरा गांधी से जो है क्या मतभेद है। जयप्रकाश नारायण जी जब भाषण दे रहे थे तो वो कह रहे हैं कि लोग हमको कहते हैं कि इंदिरा गांधी जो है जी जो है आपसे मिलना चाहती है, आपसे बातचीत करना चाहती है, उनसे क्या मतभेद है। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी से हमें कोई मतभेद नहीं है, हमें तो मतभेद है नीतियों से, हमें तो मतभेद है उन समाज के जो है तुच्छ लोगों से जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं, हमें मतभेद है उन नियमों से जो समाज के गरीब लोगों पे जो है लागू होता है, हमें जो है मतभेद है उन जो है समाज की बंदिशों से जो समाज के गरीब लोगों पे लागू किया जाता है। तो हमें कोई से मतभेद नहीं है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे कोई हो, हमें सिर्फ जो है भ्रष्टाचार से मतभेद है, और जब इसमें कोई भी शामिल होगा तो मैं उसके खिलाफ ही बात करूँगा, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि महात्मा गांधी जी यानी बापू जी से जब मुलाकात हुई थी तो बापू जी भी जो है हमें समझाया करते थे कि जयप्रकाश नारायण ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, लेकिन बापू जी भी जब गलत बोलते थे तो उस समय मैं भी उनको जवाब दे देता था कि नहीं यहाँ पे आप गलत हैं, और बापू इतने महान थे कि वो इस बात को समझते भी थे और हमें कहते भी थे कि नहीं तुम ठीक कह रहा है। वैसे ही जवाहरलाल नेहरू थे तो जवाहरलाल नेहरू भी हमें समझाने का प्रयास करते थे कि जो तुम कर रहा है वो गलत है या सही है, और जब मैं सही रहता था और जब मैं सही रहता था और वो हमें गलत कहते थे तो जयप्रकाश नारायण भी कह रहे हैं कि हम जवाहरलाल नेहरू से भी जो है लड़ जाते थे कि नहीं हम यहाँ पे सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि मैं एक बहुत ही बड़ी समस्या पर बात करना चाहता हूँ जिस समस्या का नाम है इलेक्शन को लेकर जो है सरकार इतनी ज़्यादा खर्च करती है जिससे गरीबों को जो है अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, छात्रों को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है, समाज को जो है विकास नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो है इलेक्शन पे करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया जाता है और वो सभी करोड़ों रुपया जो है ब्लैक मनी के तौर पे आता है जो सरकार इकट्ठा करके जो है चुनाव में जो है लगाती है, और इससे ये जो है घाटा होता है कि चुनाव में गरीब कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकता है, चुनाव में जो है गरीब जो है पार्टियां खड़ी नहीं कर सकती हैं अपने कैंडिडेट को, चुनाव में जो है गरीब लोग जो है नहीं शामिल हो सकते हैं। तो ये सब इलेक्शन के जो है ये सब फिजूल खर्च हैं। इलेक्शन के खर्चों को दूर करने के लिए जो है जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हम लोगों को एक नया कदम उठाना होगा, और ये कदम है कि हम लोगों में से ही यानी कि छात्रों में से ही जो है कोई एक कैंडिडेट को जो है खड़ा कीजिए और उसको जो है जिताइए। जिताने के बाद वो क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस सब पे जो है आप नज़र रखिए, और नज़र रखने के बाद अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको तुरंत पद से हटाइए और फिर जो है नया बनाइए। तो इसी प्रकार जो है राजनीति में सुधार हो सकती है, या इलेक्शन जो है एक बार करवाया जाए जिससे खर्चा जो है कम हो जाता है। तो राजनीति में और इलेक्शन में जो है ये जयप्रकाश नारायण जी जो है कमियां बताते हैं और कहते हैं कि हाँ ये छात्र आंदोलन जो है सिर्फ राजनीति के खिलाफ नहीं है, ये जो है उन सभी के लिए है जो गाँव में जो है घुसखोरी करते हैं, गरीबों को जो है कमज़ोर समझते हैं, तो हम इन सभी लोगों को जो है हम लोगों को मदद करना है जो भी इस छात्र आंदोलन में आज उपस्थित हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो हैं आगे बढ़ के जो है
राजनीति में हिस्सा लेंगे, युवा जब राजनीति में आएंगे तो वहाँ पे जो है राजनीति जो है काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पे होगा और गरीबी दूर होगी, समाज जो है विकसित होगा और यहाँ पे लोग जो है विकसित होंगे। तो ये पूरा जो है कहानी रहा, भाषण रहा जयप्रकाश नारायण जी का, आपको जो है सुनाने का हम प्रयास किए। अब जो है इस भाषण को सुनने के बाद जो है आपको एक बार बुक रीडिंग जरूर करना है। हम बार बार बोल रहे हैं, हम आपको समझा दिए, पूरा शॉर्ट में समझा दिए, आप एक बार बुक रीडिंग कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाइए, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हमने के पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी के, तो आपको अगर बेहतर लगता है तो आप जो है SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड करके नोट्स खरीद सकते हैं और वहाँ से जो है आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे पता चले कि हिंदी को कितना आसान वे में हम लोग पढ़ सकते हैं। बाकी आपको ये क्लास अच्छा लगा उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।